पहला सुख निरोगी काया, अपना शरीर स्वस्थ है तो सब अच्छा है, बाकी कुछ नहीं है। तो मित्रों, कि आप अपने शरीर को फिट रखना चाहते हैं, हेल्दी रखना चाहते हैं, अपने शरीर को फिट और हेल्दी रखने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप अपनी ज़िंदगी में मस्ती से जी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और शरीर को फिट रख सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा सकते हैं एकदम टकाटक। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम का क्या करना है, चलो कोई दिक्कत। नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हूँ SRB जिम राजसमंद, यहाँ के ओनर निजाम मंसूरी जी से मिलवाऊँगा आपको, जो कि दो बार मिस्टर राजसमंद रह चुके हैं, एक बार मिस्टर मेवाड़ बेस्ट फिजिक रह चुके हैं और अपनी फिटनेस के प्रति बहुत अलर्ट हैं, जो कि आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको अपने जीवन में निरंतर एक्सरसाइज जारी रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, इसका इम्यूनिटी पावर सिस्टम बढ़ाना चाहिए, ताकि आप लंबे समय तक बिना किसी रोग निरोग जिंदगी जीवन यापन कर सकें। मिलते हैं मिस्टर निजाम जी मंसूरी से, जिन्होंने मिस्टर राजसमंद बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त करते हुए मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में राजसमंद जिले को चौथा स्थान दिलाया। तो बहुत जोरदार स्वागत करना चाहता हूँ मिस्टर निजाम जी मंसूरी का। तो बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर निजाम जी मंसूरी साहब, आ चुके हैं हमारे बीच में, जो दो बार मिस्टर राजसमंद रह चुके हैं, एक बार बेस्ट फिजिक ऑफ मेवाड़ रह चुके हैं और राजस्थान में अपने राजसमंद जिले को चौथी पोजीशन दिलाई। बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हाय गाइस, आई एम निजाम मंसूरी फ्रॉम SRB जिम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सब अपनी सेहत को अच्छे से रखते हुए। तो आज मैं आपको ये बताऊँगा कि आप अपनी सेहत को कैसे अच्छा रख सकते हैं। आप निरंतर व्यायाम करके, एक्सरसाइज करके, जिम जाके, योगा करके, स्विमिंग करके, रनिंग करके, जॉगिंग करके, अदरवाइज कोई भी एक्टिविटी ले लो आप, जो निरंतर आपको डेली यूज़ अर्ली मॉर्निंग में आप उसे घंटा से डेढ़ घंटा तकरीबन आप अपने शरीर को दें, जिससे आप हमेशा अच्छा इम्यून सिस्टम जनरेट कर सके अपनी बॉडी में। आज के समय को देखते हुए अच्छा खान पान नहीं है, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जिम ज्वाइन करें, रनिंग करें, जॉगिंग करें, स्विमिंग करें, कुछ भी एक्टिविटी करें और आप स्वस्थ रहने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। तो मैं SRP फिटनेस और SRP जिम की तरफ से आप सभी को यही कहना चाहता हूँ कि आप सुबह जल्दी उठिए। सुबह जल्दी उठने से बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो ये जब आप करेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि हाँ सही है। पुराने ज़माने में ही लोग कहते थे कि पहला सुख निरोगी काया, तो हम SRP फिटनेस और SRP जिम इसी पे निरंतर प्रयास करते हुए आगे बढ़ रहा है और उम्मीद है आप मेरे इस वीडियो को और मेरे इस चैनल को YouTube पे और Facebook पे, Instagram पे लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आपको बरोबर मिलते रहें। और मेरा फ़ोन नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहे तो मेरे को वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये मेरी यही आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रयास करें। तो अब आपको जैसा कि निजाम भाई ने बताया कि गॉड ने हमारे को लाइफ में 24 आवर्स 24 घंटे एक दिन में दिए हैं, तो एक घंटा आप अपनी सेहत के लिए दें। एक घंटा अगर आप अपनी सेहत के लिए देंगे तो सेहत आपकी लगातार लॉन्ग टाइम तक बनी रहेगी। कहते हैं ना, अक्षय कुमार ने भी कहा है कि 24 घंटे में एक घंटा अपने शरीर के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि ये शरीर जो आप लेके रेगुलर चल रहे हो, इसको अगर आप समय नहीं दोगे तो शरीर आपको समय नहीं देगा। तो लगातार आपको निजाम भाई से टिप्स मिलती रहेगी, किस किस बारे में क्या खान पान रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, लगातार इस बारे में हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे और लगातार आपको ये बताते रहेंगे कि जैसे बाइसेप के लिए कौन सी ट्रेनिंग होती है, चेस्ट के लिए कौन सी होती है, ट्राइसेप के लिए कौन सी होती है, थाइस के लिए कौन सी होती है, बैक के लिए कौन सी है, पूरे ऑल ओवर शरीर की क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन कौन सी कब कब करनी चाहिए, कार्डियो कब करनी चाहिए, सारी इसके बारे में आपको रेगुलर बताते रहेंगे। मशीनों के बारे में भी आपको रेगुलर जानकारी देते रहेंगे और लगातार आपके हेल्थ के प्रति
आपको सजग रहना पड़ेगा। निरंतर प्रयास करने से हर मंजिल आसान हो जाती है, तो हमारा आपसे यही रिक्वेस्ट है, मैं निजाम मंसूरी SRP जिम यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं और अदरवाइज जो भी इस वीडियो को देख रहा है, वो अगर मुझसे कोई जानकारी लेना चाहे तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है किसी तरह से भी, भले वो वेट गेन हुआ, वेट लॉस हुआ, बॉडी बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग, कुछ भी हो सकता है। तो आप जैसा चाहे, मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। निरंतर प्रयास करते रहिए और आगे हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। पहले शुरुआत में मशीनों की जानकारी देंगे कि कौन कौन सी मशीनें हैं जो जिम में काम में ली जाती है, उसके बारे में आपको बताएंगे, फिर अलग अलग एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। तो ये सारे चीज़ें एक ही वीडियो में नहीं आएगी, वीडियो बहुत बड़ा होगा, लेकिन आएगी आपको छोटे छोटे टुकड़ों में। आप इसको पूरा देखते रहिए और पूरी कोशिश ये रहेगी कि आपको हेल्थ के प्रति एक समय ऐसा आएगा कि आप खुद अपने आप में यूँ समझने लग जाएंगे कि हाँ, ये मैं सब जानता हूँ, ऐसा बना देंगे आपको। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। अब चलते हैं, आपको मशीनों की जानकारी देते हैं। ठीक है, आइए। ठीक है, मैं आपको आज जिम की जो मशीनरी होती है उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो आइए मैं आपको जिम की मशीनों से मिलवाता हूँ। ये जिम के अंदर वेट मशीन होती है, ये है फर्स्ट मशीन हमारे जिम की, और उसके बाद आइए हम आपको मिलवाते हैं, ये ट्रेडमिल है। तो इस पे आदमी जॉगिंग कर सकता है, रनिंग कर सकता है, और जिसको सबसे बेस्ट है कि इस मशीन पर चढ़ने के बाद में आराम से आदमी 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चल सकता है, जिससे अपनी कैलोरी अच्छे से वो बर्न कर सके। ये डिजिटल मीटर वाली कार्डियो मशीन है, ट्रेडमिल जिसको बोलते हैं, स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, और ये इस तरह से चालू होती है। चालू होने के बाद में आप इस पर आराम से चल सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, भाग सकते हैं। ये सारा आपको बता देगा कितनी कैलोरी बर्न हुई है, कितनी स्पीड है, और कितना टाइम आपको हो गया। तो ये ट्रेडमिल मशीन है हमारे जिम की, SRP जिम की। तो एक ये मशीन है जिम के अंदर, अब हम इसको बंद कर देंगे, ये बंद हो गई है। ठीक है, अब हम आपको मिलवाएंगे नेक्स्ट मशीन, जिसको बोलते हैं स्पिन बाइक, जिसको साइकिल बोलते हैं जिम लाइन के अंदर, स्पिन बाइक भी बोलते हैं। इस पर बंदा आराम से अपनी कैलोरी बर्निंग कर सकता है। इसको इस तरह से सबसे पहले पैर इसमें डालेंगे, फिर उसको ये इसका लूज और टाइट करने का एक बटन है, जिससे ये धीरे और तेज हो सकती है। जितना आप इसको चलाना चाहोगे चला सकते हो, इससे भी बंदा अपनी अच्छी कैलोरी बर्न कर सकता है। तो ये हमारी नेक्स्ट मशीन है जिम की, जिसको हम स्पिन बाइक बोलते हैं। ठीक है, ये एक ट्रेडमिल है। ट्रेडमिल से मैंने आपको पहले बता ही दिया कि ट्रेडमिल ये ऐसा होता है, इस तरह से चलता है। तो आइए गाइस, मैं अब आपको नेक्स्ट मशीन से मिलाता हूँ। चलो, तो आ गए। अब नेक्स्ट मशीन मैं आपको दिखाता हूँ, लेग प्रेस। ये मशीन लेग प्रेस है, ये इसका वेट स्टैंड है, आप चाहो जितना वेट इसमें लगा सकते हैं। और लेग प्रेस और हैग स्क्वैट, इसमें दो तरह की एक्सरसाइज हो सकती है, जो आपके ग्लूट और अपर थाइज और इनर थाइज के लिए सबसे बेस्ट मशीन है। इसको बोलते हैं लेग प्रेस। वेट अपने हिसाब से आप इसमें यूज़ कर सकते हो, जिस भी तरीके से जैसा लगाना चाहो। इसको ये प्लेट निकलती है, ये वाली निकल जाती है तो हैक स्क्वैट बन जाती है, और प्लेट लगते ही कि लेग प्रेस हो जाती है। तो ये मशीन लेग प्रेस जिम के अंदर, ये अमूमन आपको हर जिम में मिलेगी, और SRP जिम में भी ये मशीन है। ठीक, तो नेक्स्ट मशीन जो है हमारे जिम के अंदर, वो है डीप चिनअप। डीप चिनअप, इसके ऊपर आप चेस्ट, ट्राइसेप, चिनअप में विंग्स, बैक, बहुत सारे यूज कर सकते हैं। वो आप जब जिम आएंगे तब आपको ट्रेनर से बता दिया जाएगा कि वो कैसे की जाती है, इसको बहुत सारी एक्सरसाइज इस पर की जाती है। तो इस मशीन का नाम है डीप चिनअप। ठीक है, तो एक मशीन हमारे जिम के अंदर ये है, जिसको बोलते हैं डीप चिनअप। हाँ, अब मिलवाने वाले हैं आपको लेट पुल डाउन। इस मशीन को बोलते हैं लेट पुल डाउन। ये बैक की सबसे अच्छी मशीन है, जिससे बैक की एक्सरसाइज बंदा कर सकता है, जो मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार। इस तरह से इसको लगाते हैं, फ्रंट में भी लगा सकते हैं और इसको बैक में भी लगा सकते हैं। तो ये मशीन है जिसको बोलते हैं लेट पुल डाउन, ये भी आपको हमारे जिम में मिल जाएगी। ये बैक की सबसे एक्सरसाइज, अच्छी एक्सरसाइज करने के लिए सबसे बढ़िया मशीन है बैक की, जिससे बैक का साइज बड़ा हो। तो अभी आइए मैं आपको चेस्ट बेंच प्रेस, ये मशीन है हमारी चेस्ट ब्रेंच प्रेस, इसको बोलते हैं चेस्ट ब्रेंच प्रेस। क्लाइंट या मेंबर यहाँ पे लेट के अपने दोनों हाथों से इसको प्रेस करता है,
तो ये है, हाँ अप एंड डाउन, ये है फ्लैट, इसको बोलते हैं फ्लैट चेस्ट ब्रेंच, ठीक है। इसके बाद में जो आती है चेस्ट में दूसरी बेंच, वो है हमारी डिक्लाइन, डिक्लाइन बेंच। इसमें आपका अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट दोनों काम करता है। ये जिम के अंदर एक मशीन ये है, एक वो है, ये डिक्लाइन बेंच, ये भी चेस्ट प्रेस में ही काम आती है। उसके बाद में जो मशीन है वो ये है, जिसको बोलते हैं इंक्लाइन बेंच प्रेस। तो ये मशीन भी हमारे जिम के अंदर है, इस पर भी आप अपर चेस्ट अच्छे से मजबूत कर सकते हो। मिलवाते हैं हम स्मिथ मशीन से, ये है हमारे जिम की स्मिथ मशीन। इस पर कई प्रकार की एक्सरसाइज कर सकता है, जैसे चेस्ट हो गया, बैक हो गया, बाइसेप हो गया और लेग्स हो गए, कई इस प्रकार की एक्सरसाइज इस पर होती है। इसकी ये बेंच है, इसको हम एडजस्टेबल कर सकते हैं, और नए बंदे जो भी आते हैं, नए जो क्लाइंट होते हैं, नए मेंबर होते हैं, उसको हम इसी एक्सरसाइज पे उन बंदों को एक्सरसाइज करवाते हैं, उसी पे हम उनको ट्रेन करते हैं। ये है स्मिथ मशीन, ये भी हमारे जिम के अंदर आपको मिलेगी। और आइए अब उसके बाद में मिलवाते हैं हम आपको फीचर कल, ये है बाइसेप की बेंच फीचर कल, जो बाइसेप मारने में बहुत इजी वे में इस पर बंदा बाइसेप मार सकता है। मैं आपको करके बताता हूँ, जैसे अभी ये फ्री वेट है, लेकिन इसमें चाहो तो आप वेट इंक्लूड कर सकते हैं। इसको आप आराम से इस प्रकार से फीचर कल बोलते हैं इसको, ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है बाइसेप के लिए। और ये बेंच है, इसको आप यूज़ कर सकते हो हमारे जिम के अंदर फीचर कल, ये एक मशीन हमारे जिम के अंदर ये है। अब मैं आपको मिलवाता हूँ हमारे जिम की फंक्शनल ट्रेनर मशीन, ये ऑल ओवर, इस पर सारी एक्सरसाइज कर सकता है बंदा, जैसे ट्राइसेप, चेस्ट, बाइसेप, बैक। तकरीबन ये मशीन जिम के अंदर फुल बॉडी पार्ट एक्सरसाइज करा सकती है बंदे को, ठीक है। तो इसका नाम है फंक्शनल ट्रेनर, और ये वेट मशीन है, ठीक है। इसमें ट्राइसेप, बाइसेप, चेस्ट, बैक, सारी मशीनरी, सारी एक्सरसाइज अपन लगभग कर सकते हैं। तो एक मशीन ये है एसआरबी जिम के अंदर फंक्शनल ट्रेनर। तो ये इसमें ये चेस्ट मशीन है, जिसे इस तरह से हम चेस्ट लगा सकते हैं, जैसे ये चेस्ट वर्कआउट है, ठीक है। इसी को आप इस तरह से कर सकते हैं, ये भी चेस्ट के अंदर ही आता है। ये मशीन फंक्शनल ट्रेनर है, और इसके साथ में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, जैसे कि ये ट्राइसेप रोप है, इससे आप बैक लगा सकते हैं, ट्राइसेप लगा सकते हैं, हैमर लगा सकते हैं, और वेट अपने हिसाब से कम ज़्यादा करने के लिए इधर ये लॉक लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जैसे ट्राइसेप हो गया, ठीक है ना, ट्राइसेप को अच्छे से ट्रेन कर सकती है ये मशीन, प्रॉपर करनी पड़ती है उसके लिए। ये ट्राइसेप मशीन हो गई, इसी में जैसे ये हो गया क्लोज ग्रिप ट्राइसेप रोड, इस रोड से बाइसेप भी लगा सकते हैं, ट्राइसेप भी लगा सकते हैं। ये आपके आर्म्स की मिडिल पार्ट की, ट्राइसेप की मिडिल पार्ट की एक्सरसाइज है, इसको इस तरह से लगाते हैं। और इसके बाद में और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जो इसके साथ में हम जोड़ सकते हैं, जैसे ये बाइसेप रोड हो गई, ठीक है, और चेस्ट के लिए क्लिप हो गए, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट इसमें लगते हैं। तो ये जिम की फंक्शनल ट्रेनर है, ये बंदे को ऑल ओवर ट्रेन कर सकती है। अब आइए मैं आपको मिलवाता हूँ लेग्स एक्सटेंशन, और इसको हाइपर एक्सटेंशन भी बोलते हैं, लेग एक्सटेंशन भी बोलते हैं। लेग्स के इनर और आउटर, रियर लेग्स के पीछे वाला पार्ट जिसको अपन बोलते हैं, ये एक्सरसाइज उसमें आती है हाइपर एक्सटेंशन और लेग एक्सटेंशन। ये भी वेट मशीन, वेट इंक्लूड है, ठीक है। तो मैं आइए आपको इसको भी करके बता देता हूँ, इसको थोड़ा सा इधर कर लेंगे, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर बैठूँगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से यूज़ करते हैं, वेट अपना चाहो आप जितना लगा सकते हो। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप कोई भी मशीन पे एक्सरसाइज करोगे तो आप बिना ट्रेनर के मत करिए। बिना ट्रेनर के करने से आपको हो सकता है कहीं इंजरी होने के ज़्यादा चांसेस हो। तो कहीं भी आप जो भी एक्सरसाइज करो, आप ट्रेनर से एक बार पूछ लें, क्योंकि आजकल के लड़के यूट्यूब देख के और अपने आप को बॉडी बिल्डर समझ लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपका बॉडी लाइन परफेक्ट होना चाहिए।
आपकी बैक, आपकी शोल्डर, आपकी ग्रिप कहाँ से होनी चाहिए, और इस तरह से फिर इसको ये लेग एक्सटेंशन, इसको इस तरह से करते हैं, ये लेग एक्सटेंशन। ये पैरों की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और इसमें घुटनों का अच्छा खासा मूविंग हो जाता है। तो डॉक्टर भी राय देते हैं कि लेग एक्सटेंशन किया करें ताकि उससे घुटने की प्रॉब्लम ना हो। तो ये है हमारे जिम की लेग एक्सटेंशन मशीन। ठीक है, आइए अब हम आपको मिलवाते हैं बटरफ्लाई। ये मशीन बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का मतलब वो एक तितली जैसे उड़ती है ना, वैसे बटरफ्लाई। तो मैं आपको इसको भी करके दिखाऊंगा। इस पर सबसे पहले आप ऐसे बैठेंगे और वेट अपने हिसाब से डाल लें, और इसको इसकी ग्रिप बिल्कुल शोल्डर के सामने होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह से इसको लगाएंगे, इसको बोलते हैं चेस्ट फ्लाई। ये चेस्ट फ्लाई है, इसी को हम बैक में भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप अंदर करके रिवर्स फ्लाई भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि रिवर्स फ्लाई कैसे की जाती है। ये आप चेस्ट यहाँ पे बराबर लगा दें और ग्रिप बिल्कुल शोल्डर के सामने, और इस तरह से रिवर्स, ये रिवर्स, इसको बोलते हैं रिवर्स फ्लाई। ये हमारे जिम की एक स्पेशल मशीन है जो ऑल ओवर चेस्ट और बैक को अच्छे से ट्रेन कर सकती है। उसके बाद हम मिलाएंगे आपको एप्स बोर्ड। ये एप्स कोर एब्डोमिनल को ट्रेन करने के लिए एप्स बोर्ड है। आपको मैं ये भी करके बता देता हूँ। ठीक है, तो आइए गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ कि एप्स बोर्ड पे आप किस तरह से एप्स लगा सकते हैं। सबसे पहले अपने गैरों पैरों की ग्रिप को आप इस तरह से लगाइए। ठीक है, उसके बाद में हाथ अपने सिर पर रख के पीछे की तरफ जाइए, ऐसे लेट गए, फिर ये हो गया आपका एब्डोमिनल। तो एक हमारे जिम की ये मशीन है एप्स बोर्ड। इसके बाद हम मिलवाते हैं आपको हमारे जिम की ट्विस्टर से। ये ट्विस्टर है सिटिंग एंड स्टैंडिंग। ये हमारे जिम का ट्विस्टर है, इस पर हम मेंबर को ऐसे बिठाएंगे। ये काम करती है आपके ग्लूट से ऊपर वेस्ट पे, इसको इस तरह से लगाएंगे। ये हमारे जिम की है ट्विस्टर। ये सिटिंग ट्विस्टिंग हो गई, और इसी में एक इसके साथ में एक एड है स्टैंडिंग, इसको इस तरह से करेंगे। ये इसमें भी आपका लोअर पार्ट ही वर्क करेगा। ये हमारी मशीन है ट्विस्टिंग, ट्विस्टर बोलते हैं इसको, स्टैंडिंग एंड सिटिंग। उसके बाद आइए आपको मिलवाते हैं हम आपको हमारे जिम के काफ, काफ मास्टर। ये हमारे जिम का काफ मास्टर है, काफ की बहुत अच्छी एक्सरसाइज कराता है ये। इसको इस तरह से बैठ के ये इसका लो के इसको हटाएंगे, उसके बाद में ये पंजों को उठाएंगे इस तरह से। ये आपके लेग्स के काफ को ट्रेन करता है, इस वाले पार्ट को। ठीक है, तो ये हमारे काफ मास्टर हैं। उसके बाद में हम मिलवाएंगे आपको ये, इसको तो लगभग सभी जानते हैं, ये स्टैंड है वैसे तो अमूमन, लेकिन इस पर आप स्क्वाट, हैवी वेट स्क्वाट लगाने के लिए सबसे अच्छा स्टैंड है, ताकि बंदा अकेला भी स्क्वाट लगा सके। इसमें क्या है, ये जो है इससे वेट गिरने के चांसेस नहीं रहते, बंदा इंजर्ड नहीं होता है, अगर कोई नहीं उठा पाएगा तो यहाँ पे आके रुक जाएगा। और ये भी हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है, स्टील का पाइप है। ये हम अमूमन जैसे फैट लॉस और वेट लॉस वाले बंदों को यूज़ कराते हैं, स्टिक बोलते हैं इसको। इसके बारे में भी हम आपको कोई एक्सरसाइज करके बताएंगे बाद में, आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है। ये हमारा स्टैंड है, मैं आपको एक बार इससे करके बताऊंगा ताकि आपको पता चल जाए कि ये क्या काम आता है। इस तरह से इसको ये होल्डर पे लेंगे, फिर आराम से उठा के अपनी पैरों की पोजीशन अच्छे से बनाते हुए आराम से स्क्वाट लगाओ इस तरह से। ये आपके लेग्स को अच्छे से ट्रेन करती है ये एक्सरसाइज, और ये इस तरह से इस स्टैंड को यूज़ किया जाता है। तो ये है हमारा स्टैंड, रोड का स्टैंड है,
जिस पे हम लगाते हैं स्क्वाट। आइए अब आप हमारे जिम के अंदर जैसे एक ये पंचिंग बैग है, ये भी बहुत सारा वार्म अप के लिए काम आता है। इस पे बंदा बॉक्सिंग की पूरी प्रैक्टिस कर सकता है। पंचिंग बैग बोलते हैं इसको, पंचिंग बैग, ठीक है। और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे बॉल हो गई, टायर हो गया, रोप हो गई, और एक मशीन और है, ये मशीन है हाइपर एक्सटेंस सॉरी लोअर बैक के लिए। ये बहुत अच्छी मशीन है, इसमें आप अपने लोअर बैक को अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं, ऐसे इस तरह से, ये तो एक मशीन ये है लोअर बैक के लिए, इसको अच्छे से आप यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे ये डंबल्स रैक है, तकरीबन हमारे पास सारे रबड़ वेट हैं। और वेट के अंदर भी सबसे बड़ा डंबल्स 35 केजी, उसके बाद 30 केजी, 25 केजी, 20 केजी एंड 15 एंड 10। तकरीबन शुरू से लेकर लास्ट तक छोटे से बड़ा हर तरह के डंबल्स आपको मिल जाएंगे इस रैक पे। और इसी के साथ में कुछ रबड़ बॉल है, वेट बॉल जिसको बोलते हैं, ये भी बहुत सारी एक्सरसाइज करने में काम आती है। फंक्शनल ट्रेनिंग हम इससे कराते हैं वेट लॉस वालों को। तो इस प्रकार से एक ये मशीन है जिसको बोलते हैं रिस्ट कर्ल। अब आपको मिलवाता हूँ मैं अपने जिम की रिस्ट कर्ल मशीन से। आइए, ये एक्सरसाइज, ये आपकी कलाई की एक्सरसाइज करने के लिए सबसे प्यारी और बेस्ट एक्सरसाइज है, जिससे आपके फोर आर्म्स और आपकी कलाई दोनों ही अच्छे से मजबूत हो जाए। कलाइयाँ मजबूत होनी चाहिए, करनी चाहिए कलाइयों की एक्सरसाइज। ये बहुत प्यारी मशीन है। और तकरीबन मैंने आपको सारे इंस्ट्रूमेंट से मिला दिया, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। तो अब आप जिम आइए और देखिए कैसा जो है हमारे जिम के अंदर, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक सीढ़ी नुमा एक पैनल हमने बना रखा है, जिसपे बंदा यहाँ से पकड़ता हुआ बंदर की तरह आगे उछलता कूदता हुआ जाए। और ये एक एंजॉयमेंट मशीन है, इससे आपका स्टेमिना बढ़ेगा। आप इस पर विंग्स लगा सकते हैं, इस पर जंप करके आप इस तरह से इसको पकड़ के और चिनअप लगा सकते हैं। ये मशीन भी बहुत अच्छी है, ठीक है। आइए आप इसका भी मज़ा लीजिए। हाँ, और ये है हमारे जिम की योगा मैट, जो पूरी तरह से फोम की बनी हुई है। इसको मतलब मेंबर ज़मीन पे ऐसे लिटा के और एब्डोमिनल के लिए अच्छी एक्सरसाइज कर सकता है। उसके अलावा ये बंदे को रिलैक्स करते हैं हम लोग, तो उसको पहले नीचे डालते हैं, फिर उसको अच्छे से रिलैक्स करते हैं ताकि उसकी बॉडी रिलैक्स हो जाए। तो एक ये योगा मैट है हमारे जिम के अंदर। दूसरा, ये हमारे जिम के अंदर हमारे जिम का स्टेबलाइजर, इससे हम बहुत सारी एक्सरसाइज करवा देते हैं मेंबर को, फैट लॉस और वेट लॉस वालों को। उसी के साथ में ये एक रबड़ बॉल है, कैप्सूल बॉल बोलते हैं इसको। ये कैप्सूल बॉल है, कैप्सूल की तरह दिखता है ये, इसलिए इसको कैप्सूल बॉल बोलते हैं। इस पे हम एब्डोमिनल लगवाते हैं बंदों को। ये भी एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है कोर और एब्डोमिनल के लिए। और एक ये हो गया, एक ये बॉल है, आइए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बॉल है, इस बॉल से बहुत सारी एक्सरसाइज होती है फंक्शनल ट्रेनिंग के लिए, बहुत सारी एक्सरसाइज करा सकते हैं हम इससे। ये दिखने में बहुत बड़ी भी है और इसके बड़े बड़े काम भी है, ठीक है। तो एक ये इंस्ट्रूमेंट है हमारा। दूसरा हमारे जिम का ये रोड किंग, जिसको टायर बोलते हैं, ठीक है। 70 kg वेट है इसका, इससे भी हम मेंबर को फंक्शनल ट्रेनिंग कराते हैं वेट लॉस और फैट लॉस वालों को। ये हो गया दूसरा, इसको तो सभी जानते हैं, ये तो सबने देखा होगा। ये इसको बोलते हैं हैमर, हथौड़ा। इसको इस तरह से ऐसे मारते हैं और फिर इसका देखते हैं कि बंदे में कितना दम है, इससे भी पता चलता है, ठीक है। तो एक ये हैमर है, ठीक है। दूसरा, ये तो आपको पता ही है हर जिम के अंदर होती है, ये भी अच्छी एक्सरसाइज करने के लिए होती है फंक्शनल ट्रेनिंग के लिए, जिससे हम बंदे को अच्छे से थका देते हैं, उसकी अच्छे से कैलोरी बर्न हो जाती है। ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, आइए। इसको इस तरह से करेंगे, बहुत सारी एक्सरसाइज होती है इसके साथ में। इसको इस तरह से करते हैं, इस तरह से भी करते हैं, जैसा चाहो आप इसको कर सकते हो। कुल मिला के अच्छी एक्सरसाइज है,
कैलोरी बर्निंग के लिए। तो आप आइए हमारे जिम पे, वेलकम है आपका SRP, द SRP जिम, बांडियावाला, भीलवाड़ा रोड, काकरोली, नियर नायरा पेट्रोल पंप। वेलकम टू SRP जिम। तो मैं श्रीमान निजाम भाई से निवेदन करता हूँ कि आपके जिम पे आने के लिए कौन सा रास्ता, क्या साधन, क्या अवेलेबल है, किस जगह है, ज़रा थोड़ा सा बता दीजिए। आप अगर मेरे जिम को गूगल मैप पे सर्च करेंगे तो SRP फिटनेस के नाम से हमारे जिम का नाम आ जाएगा, जो महिला थाने के पास भीलवाड़ा रोड पे ऑन रोड पड़ता है। आप जिधर से भी आएंगे आपको ऑन रोड मिल जाएगा। और आप किसी को और सर्च करेंगे तो आपको गूगल मैप पे मिल जाएगा। तो ये आने के लिए और कोई साधन, टेम्पो, गाड़ी, बाइक वगैरह है? आप अपनी बाइक से आ सकते हैं, बाइक कार आ सकते हैं, बाइक टेम्पो आ सकते हैं। और अगर किसी को ढूंढने में परेशानी हो तो अभी नया पेट्रोल पंप, नायरा पेट्रोल पंप लगा है उसके जस्ट नियर नायरा पेट्रोल पंप, ऑन रोड भीलवाड़ा रोड, काकरोली। तो बिल्कुल श्रीमान निजाम भाई से अपन रेगुलर टच में रहेंगे और आप इनसे हेल्थ के बारे में आप रेगुलर टिप्स ले सकते हैं। और SRP जिम पे बिल्कुल आपका स्वागत है, पधारिए। SRP फिटनेस सेंटर, SRP जिम, और मिस्टर राजसमंद खुद रह चुके हैं, अपनी बॉडी के बारे में बहुत जागरूक हैं। अपने बच्चे को भी इन्होंने काफ़ी आगे तक पहुँचाया, आगे तक अब मिस्टर राजसमंद आने वाले समय में वो भी खेलेंगे। और यही करते हैं कि आगे से आगे निरंतर बढ़ते रहें। हमारा प्रयास यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो युवा पीढ़ी है उसको स्वस्थ रखने के लिए हम जितना प्रयास कर सकते हैं करेंगे, और नए नए बच्चों को, युवाओं को जोड़ने का प्रयास करेंगे ताकि वो इस खेल को, राजसमंद को, राजसमंद का नाम आगे इंडिया लेवल पे रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद निजाम भाई का। कैसा रहा आज का सफ़र आपका? निजाम भाई, मिस्टर राजसमंद सर ने अपने को बहुत सारी चीज़ें बताई, अपनी मशीनों से परिचय करवाया। आज का सेशन आपका परिचय का था, मशीनों से परिचय, मशीनों से दोस्ती बहुत ज़रूरी। लोग क्या मशीनों से जो दोस्ती नहीं कर रहे हैं फिर वो उनकी दोस्ती उनसे होती है, किससे? वेंटिलेटर से। हम सुबह बात कर रहे थे कि जिसकी दोस्ती मशीनों से नहीं होती उसकी दोस्ती वेंटिलेटर से होती है। तो आप भी मशीनों से दोस्ती कीजिए और जिम ज्वाइन कीजिए, जो भी आपके नज़दीक पड़े, आसपास, आज समझ में है, हमारे पास आइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके आज बाद जो भी, अगर आप कोई भी बाहर से देख रहे हों, अपने आसपास जिम ज्वाइन कीजिए, अपने हेल्थ और वेल्थ दोनों को मेंटेन कीजिए। जब तक है जान तब तक सब ठीक है, बाकी कोई मतलब नहीं है। शरीर में जान होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ इज़ वेल्थ। आपकी हेल्थ ही आपकी पूंजी है और वही आपकी कमाई है, साथ में यही जाएगी, बाकी सारी ये छूट जाएगी। हमारा निजाम भाई का एक बहुत फेमस डायलॉग है, ज़रा बताइए सर, क्या बताया आपने? वो जो भी खाया वो अंग लगा, अंग खाया पिया, हाँ, खाया पिया अंग लगेगा। जो बड़े बुजुर्ग कहते थे, खाया पिया अंग लगेगा, बाकी बचा जंग लगेगा, बचा कुचा जंग लगेगा। तो इसलिए आइए अपनी सेहत को संवारिए, अच्छा खाइए, अच्छी एक्सरसाइज करिए और मस्त रहिए, यही आप मजे करिए, यही आपकी ओरिजिनल एसेट है, ओरिजिनल पूंजी आपकी यही, बिल्कुल यही है। मेंटेन रखना आपकी पहली जिम्मेदारी, बिल्कुल यही जिम्मेदारी है बंदे को करना चाहिए, बिल्कुल जो जितना एफर्ट हो सकता है अपने लिए करे, क्योंकि लाइफ में वो सबके लिए करता है, माँ बाप, बीवी, बच्चे, भाई बहन, सबके लिए करता है। तो हम लोग ये कहते हैं कि आप अपने लिए भी समय निकालिए 1 घंटा और अपने लिए एक्सरसाइज करिए, आप अपने आप को फिट रखिए। तो यही मैं कहना चाहूँगा, इसके बारे में लगातार और भी वीडियो लाएंगे। बिल्कुल, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। क्योंकि इसमें आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है और बिना पैसे ट्रेनिंग हो रही है, और इसमें बिल्कुल हमारे इनका अनुभव का, निजाम जी के अनुभव का लाभ आपको मिलेगा। जितना ले सकते हैं आप हमसे मदद ले सकते हैं, हम चाहेंगे कि आप हमसे पूछे सवाल, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। जो भी आपके समस्या है कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि बिल्कुल आपके सवालों का बिल्कुल जवाब मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।